हेलो क्लास सेकेंड, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10 यूजफुल एनिमल्स। तो एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, है ना, और कुछ एनिमल्स लैंड में भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं। कुछ एनिमल्स स्काई में फ्लाई करते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कई सारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे तरीकों से, बहुत तरीकों से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लेट अस लुक एट व्हाट वी गेट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो उनसे हमें क्या क्या मिलता है। ओके, एनिमल्स गिव अस मिल्क। काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, यानी कि दूध देते हैं। सम एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। तो आपने गाय देखते हो, मम्मा दूध लेकर आती है ना, काओ का, बफेलो का, इवन गोट भी जो है हमें मिल्क देती है, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत अच्छा होता है। वी यूज़ मिल्क टू मेक मैनी थिंग्स। जो मिल्क होता है उससे हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाते हैं। चीज़, कर्ड, बटर, खोया स्वीट्स आर ऑल मेड ऑफ मिल्क। तो चीज़ मम्मा बनाती है ना, चीज़ किससे बनाती है, दूध से। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए पनीर जो आप देख रहे हैं, मम्मा सब्जी भी बनाती है ना, यम्मी यम्मी। कर्ड यानी कि दही आप खाते हो खाने के साथ। बटर वो भी किससे बनता है, मिल्क से। एंड खोया, जो खोया की स्वीट होती है वो भी मिल्क से ही बनती है। एनिमल्स गिव अस एग्स। इसके अलावा एनिमल्स हमें क्या देते हैं, एग। एग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, यूजफुल होते हैं। एनिमल्स लाइक हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स। जिससे आप देखते हो मम्मा जो है एग करी, ऑमलेट बनाती है ना, तो वो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से। सम ऑफ अस ईट एग, और कुछ जो लोग हैं वो एग्स खाते भी हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 35। एनिमल्स गिव अस फ्लैश। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि जो नॉन वेज खाते हैं, तो वो फ्लैश जो है वो कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। सम एनिमल्स लाइक हैंस, गोट्स, क्रैब्स, डक्स एंड फिश गिव अस फ्लैश और मीट। तो कुछ एनिमल जैसे कि हैन हो गई, गोट हो गया, क्रैब हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है, फ्लैश या फिर मीट। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो इसको खाते हैं। एनिमल्स गिव अस वुल। एनिमल से हमें क्या मिलता है, वुल, जिसे हम सर्दियों में जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो इससे बनते हैं और उनको हम पहनते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम शीप। तो वुल कहाँ से मिलती है हमें, शीप से। Wool is used to make woolen clothes. In winter, we wear woolen clothes. तो wool जो है वो woolen clothes बनाने के लिए used होती है, और हम winter season में woolen clothes जो है वो wear करते हैं, पहनते हैं। Animals give us leather and silk. इसके अलावा animal से हमें क्या मिलता है, leather and silk।
वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल, गॉट्स, बफेलोज एंड स्नेक्स. तो कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी स्किन से हमें लेदर भी मिलता है, जिसके आप देखते हो कि बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो यूजफुल आइटम्स इसे बनाए जाते हैं, लाइक बेल्ट, पर्सेस, शूज, है ना, जैकेट्स. शूज, बैग्स, पर्सेस, जैकेट्स एंड बेल्ट्स आर मेड ऑफ लेदर. तो लेदर से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. इट इज़ रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर लेदर. लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे लेदर मिलती है तो हमें एनिमल्स को लेदर लेने के लिए उसको मार देना चाहिए. वी शुड ओनली यूज़ द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू गेट लेदर. तो हमें सिर्फ डेड एनिमल्स को यूज़ करना चाहिए उसकी स्किन लेने के लिए, ना कि हमें जो एनिमल्स हों उनको मार करके हमें उनकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. नाउ टर्न टू पेज नंबर 36. सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क फाइबर. जो सिल्क वॉर्म होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखिए लीफ, लीफ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है. यस, दिस इज सिल्क वॉर्म एंड वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म. दिस सिल्क वॉर्म. सिल्क फाइबर्स आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स. और सिल्क फाइबर जो होता है, इट इज यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स. ये देखिए सिल्क वॉर्म से यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, सिल्क फाइबर मिल रहा है, उससे सिल्क थ्रेड बनता है, देन उससे ही ये सिल्क के क्लोथ्स रेडी होते हैं. एनिमल्स मेक आर वर्क ईजी. इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो हमारे काम को भी ईजी कर देते हैं. सम एनिमल्स मेक आर वर्क ईजी. एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डोंकीज कैरी लोड फॉर अस. तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो हमारा लोड कैरी करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि हमारा जो सामान होता है उसे एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाते हैं. इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में, दिस इज कैमल एंड दिस इज वेरी यूजफुल एनिमल फॉर डेजर्ट एरिया. तो डेजर्ट एरिया जहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत वहाँ के लिए यूजफुल एनिमल होता है लोड कैरी करने के लिए. सो इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो सामान तो ये इधर से उधर लेकर जाते ही हैं, इसके अलावा हमें भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं. ऑक्सन प्लो आवर फील्ड्स. और जो बैल होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, तो ये हमारे फील्ड को जो है वो जोतने का काम भी करता है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 37. यस, अदर यूजफुल एनिमल्स. इसके अलावा कुछ और भी यूजफुल एनिमल्स होते हैं, लाइक वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, वी स्प्रेड हनी ऑन ब्रेड. हनी इज ऑल्सो यूज एज मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड. इसके अलावा हनी बी जो होती है उससे हमें हनी मिलता है, जिसको आप यमी यमी हनी को आप ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके खाते हो ना, है ना. इसके अलावा हनी एज अ मेडिसिन भी यूज होता है फॉर इन कफ एंड कोल्ड. द डंक ऑफ काओ ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काओ, कैमल्स एंड गॉट्स इज यूज एज अ मेन्योर इन आर फील्ड. इसके अलावा जो इनका वेस्ट होता है एनिमल्स का, वो खाद के रूप में यानी कि मेन्योर के तरीके से भी फील्ड में यूज किया जाता है. काउडंग केक्स आर यूज एज अ फ्यूल इन विलेजेस. और इसके अलावा अगर आपने कभी गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा जो लोग कैटल रियर करते हैं, यानी कि जो इन एनिमल्स को पालते हैं, वो इसका जो काओ का या बफेलो का जो वेस्ट होता है, यानी कि जो इसका काउडंग होता है, उसको ये हाथों से उसको एक केक टाइप का बना देते हैं, जिसको सुखाने के बाद फ्यूल की तरह यानी कि चूल्हे में जलाने का भी काम किया जाता है, जिससे खाना बनाने के लिए गांव में यूज़ किया जाता है.
वी कीप पैट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स इन आवर होम. इसके अलावा हम कुछ एनिमल्स को अपने घर पर पालते भी हैं, लाइक डॉग्स कैट्स, है ना. डॉग्स गार्ड आवर होम. जो डॉग होता है वो हमारे घर को गार्ड करता है, हमारे घर की सेफ्टी करता है. एंड कैट्स कीप द माइस अवे. और जो बिल्ली होती है वो चूहों का खात्मा कर देती है, चूहों को फिनिश कर देती है, खा जाती है उनको, है ना. तो इस तरीके से ये पैट एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. हमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. हमें इन एनिमल्स के लिए बिल्कुल काइंड होना चाहिए. दे आर ऑल्सो लिविंग बींग. क्योंकि ये भी हमारी तरह लिविंग बींग हैं, इनके अंदर भी जान होती है. वी शुड नॉट टीज दैम बट टेक केयर ऑफ दैम. हमें इनको परेशान नहीं करना चाहिए बल्कि इनकी देखभाल करनी चाहिए. वी शुड गिव दैम गुड फूड, क्लीन वाटर एंड शेल्टर. हमें इनको अच्छा अच्छा खाना देना चाहिए, क्लीन वाटर देना चाहिए पीने के लिए, और इनकी जो शेल्टर है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए. वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल. हमें जो एनिमल्स जो बीमार हो जाते हैं उनको तुरंत डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए तुरंत लेकर जाना चाहिए. सो एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स. दे मेक आवर वर्ल्ड वंडरफुल. जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे अच्छे फ्रेंड हैं. देखो इतनी सारी चीज़ें हमें ये देते हैं, है ना. और हमारा जो ये दुनिया है वो इन एनिमल्स से, कलरफुल ब्यूटीफुल एनिमल्स से इतना वंडरफुल अच्छा बनता है, लगता है ना. तो हमें इन एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर. इसको आपको अच्छे से रीड करना है और आपको कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं या बनाने हैं, या आप पेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या क्या फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए, टेक द करेक्ट आंसर्स. वी गेट हनी फ्रॉम. हम हनी जो है हमें कहाँ से मिलता है. प्लांट्स, हनी बीज, ट्रीज. तो हमने अभी जस्ट पढ़ा ऊपर कि हनी बीज से हमें हनी मिलता है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैट. इनमें जो नीचे एनिमल्स दिए हुए हैं इनमें पैट एनिमल कौन सा है. चीता तो वाइल्ड एनिमल है, जिराफ इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल, बट वी कैन रेयर डॉग. द एनिमल्स दैट डजंट गिव अस मिल्क. वो एनिमल जो हमें मिल्क नहीं देता. गोट हमें मिल्क देती है, काउ भी हमें मिल्क देती है, बट एलिफेंट नॉट गिव अस मिल्क. वी मेक बटर फ्रॉम. हम बटर किससे बनाते हैं. वाटर से तो नहीं बना सकते, है ना. सिल्क वॉर्म से भी नहीं बना सकते. वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क. यू सी अ फ्यू चिल्ड्रन थ्रोइंग स्टोन्स एट अ डॉग. आप देखते हो कुछ बच्चे जो हैं वो कुत्तों के ऊपर पत्थर मारते हुए आपको गलियों में दिखेंगे. वॉट वुड यू डू. आप क्या करोगे. ज्वाइन दें, आप भी उनके साथ मारना स्टार्ट कर दोगे. टेल द चिल्ड्रन दैट हर्टिंग एनिमल इज रॉन्ग. या उनको आप ये बताओगे कि एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना इज नॉट गुड. या फिर इग्नोर एंड गो अवे फ्रॉम द दैट प्लेस. आप उनको नज़रअंदाज कर दोगे, करते रहने दोगे और आप साइड से निकल जाओगे. दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. तो हम उनको बोलेंगे हर्टिंग एनिमल्स इज नॉट गुड, है ना. अगर एनिमल्स को आप नुकसान पहुंचाओगे, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर जान है और वो भी उनके अंदर भी जान होती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
Now exercise B, fill in the blanks correctly with the words given below. तो यहाँ पर आपको कुछ options दिए हुए हैं hint box में. आपको करना क्या है, इनको इस hint box में से help लेकर के इनको fill करना है. We get eggs from, हम eggs कहाँ से लेते हैं, hen, yes. तो यहाँ पर number one, we get wool from, वोल हमें कहाँ से मिलती है, शीप. वी गेट सिल्क फ्रॉम, सिल्क वॉर्म. नेक्स्ट आवर डैश कैरीज लोड फॉर अस, तो हमारा लोड कौन लेकर जाता है, डोंकी, है ना. तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस आप इसको फिल करेंगे. नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसकी आपको एक शीट मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, और इनको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. नेम एनी टू एनिमल्स दैट कैरी लोड फॉर अस, कोई भी दो एनिमल्स के नेम आपको बताने हैं जो हमारा लोड कैरी करते हैं. तो इसमें देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक हॉर्स, कैमल, है ना, जो हमारा लोड लेकर जाते हैं. बाकी आप चैप्टर में से देख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका नेम एनी टू थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क, कोई भी दो आइटम आपको बताने हैं जो कि हम मिल्क से बना सकते हैं. तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, आप क्या क्या बना सकते हो, यू कैन मेक खोया, यू कैन मेक बटर, यू कैन मेक चीज़. तो कोई भी टू आइटम्स के नेम आपको इसमें लिखने हैं. हाउ इज़ हनी यूजफुल फॉर अस, हनी जो है हमारे लिए कैसे यूजफुल है. तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि हनी इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, वी कैन मेक मेडिसिन फ्रॉम हनी, है ना, और वी कैन यूज़ हनी एज अ फूड आइटम. तो आप बटर की तरह भी उसको अपने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके भी खाते हो ना, तो हनी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. ओके नाउ एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट, विजिट अ नियर बाई जू एंड वॉच द वाइल्ड एनिमल देयर. आप कोई भी आसपास का आपका जू है तो उसमें आप जाइए और वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनको आप देखिए एंड ड्रॉ देयर पिक्चर्स एंड कलर देम. और उनको देखने के बाद आपको क्या करना है, उनकी पिक्चर्स को ड्रॉ करना है और उसमें सुंदर सुंदर कलर भी करना है. देन राइट देयर नेम्स बिलो देयर पिक्चर, और उसके बाद उनके नेम्स भी आपको लिखने हैं. ट्राई टू पुट टुगेदर एनिमल्स दैट लुक सिमिलर, तो ऐसा करना है आपको जो एनिमल्स एक जैसे आपको दिख रहे हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश करनी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अ लियोपार्ड एंड टाइगर ऑलमोस्ट लुक सिमिलर, है ना, तो उनकी पिक्चर्स को आपको क्या करना है, एक साथ लगाना है. ओके सो दिस वॉज योर चैप्टर, योर चैप्टर इज फिनिश्ड, और आपको इसको अच्छे से रीड करना है और इस वीडियो को 2-3 टाइम्स एटलीस्ट देखना है. ओके इन नेक्स्ट क्लास यू विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, टिल देन बाय बाय.